यशवी, प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान होने हैं, इसलिए मैं कंबल वितरण कर रही हूँ। समय हम कल जो जन्मभूमि राम जन्मभूमि पर उत्सव हो रहा है, उसके उस उत्सव में ये जो गरीब हैं, ये जो लाचार हैं, पड़े हुए सो रहे आराम कर रहे हैं, उनको कंबल बांट रहे हैं। जिन पे कंबल नहीं है ओढ़ने के लिए, ठंड का मौसम चल रहा है, तो उसके लिए व्यवस्था करते हुए जा रहे हैं। राम जन्मभूमि पर हमारे आराध्य श्री राम विराजमान होंगे, वहां कहीं राम का पाठ हो रहा है तो कहीं कम्बल बांट कर उन असहाय लोगों की मदद की जा रही है, क्योंकि कल 500 वर्षों की जो प्रतीक्षा हो रही थी, कल जहां तपस्या की गई थी और कई बलिदान दिए गए थे, आज वो इंतजार खत्म हो गया है। और कल ये दीपोत्सव हमने आपको दिन में भी दिखाया कि किस तरह 501 श्री राम की मूर्ति हमारे पूरे वृंदावन में भ्रमण करी, और रात को कहीं पर रामायण का पाठ और कहीं कम्बल बांटकर ये जो वितरण किया जा रहा है, तो ये एक उत्सव के रूप में हमारे श्री राम को समर्पित किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, और कल भी वही दिन है जब श्री राम अपने अयोध्या लौटकर अपने उस भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, उसकी प्रतीक्षा आज कई वर्षों से संत महात्मा कर रहे थे। और वृंदावन के संत महात्मा भी आप देख रहे होंगे हमारे इस दृश्य में कि किस तरह वृंदावन के संत महात्मा भी अयोध्या पहुंचकर अपने खुशी को जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसी ही उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हम ऐसी ही उन खबरों को आप तक लेकर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, मैं आशुतोष शर्मा वृंदावन से अपने सहयोगी मनीष सैनी के साथ।